नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी कल 20 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। पांचवें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपने दमखम दिखाना होगा। लोकतंत्र का उत्सव अपने पांचवें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। कल यानी सोमवार को पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक एक सीट शामिल है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा लालू परिवार से लेकर पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी को 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी। इसके अलावा जेडीयू को 1, एलजेपी को 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। वहीं पिछले 3 चुनावी नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि कैसे बीजेपी इन सीटों पर मजबूत रही है। 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थी, जबकि कांग्रेस के पास 14 सीटें थी। 5 साल के बाद 2014 में चुनाव जब हुए तो बीजेपी बढ़कर 27 सीटों पर पहुंच गई और 2019 में 32 सीटें हो गई। कांग्रेस 14 सीटों से घटकर 2014 में 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2019 में रायबरेली तक सीमित हो गई थी। बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। दरअसल इस बार यानी पांचवें चरण की चुनावी लड़ाई अलग तरीके की है। बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी के लिए पांचवें चरण का चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने नाचन के जयदेवी में एक चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया। कंगना की जनसभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कंगना का यहां गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जवानी हमला बोला। उनकी माताजी प्रतिभा सिंह को भी जमकर घेरा। आइए आपको सुनवाते हैं कंगना ने और क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी का परिवार कब तक ये परिवारवाद की दीमक जो है वो हमारे देश को खाएगी दोस्तों, कब तक? ये कहते हैं कि हम राजघराने के हैं, राजघराने के लोग ऐसी बातें करते हैं कि बेटी बहने को क्या चीज बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के घमंड की जो है हर हद पार हो गई है। ये पहाड़ी बेटियों को और माताओं को कोई लाइटली मत लो। कल पांचवें चरण के चुनाव प्रचार थमने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार समेत मुंबा देवी मंदिर में मां का आशीर्वाद लिया और जीत की कामना की। परिवार सहित उन्होंने यहां देवी के दर्शन कर विजय का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा है और उम्मीदवार जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। जलजलाती धूप और भीषण गर्मी के इस दौर में भी उम्मीदवार पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। कोई ई रिक्शा पर सवार होकर वोट मांग रहा है तो कोई चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर बड़ा पाव का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी देखिए ऐसे ही अनोखे प्रचार की तस्वीरें।
चुनावी मौसम में जहां प्रचार का शोर जोरदार है तो पेट पूजा कुछ इस अंदाज में करनी ही पड़ती है। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल को प्रचार के दौरान जब बड़ा पाव नजर आया तो वो खुद को रोक नहीं पाए। पीयूष गोयल ने मुंबई के बोरीवली इलाके में वड़ा पाव का लुत्फ उठाया। एक ठेले पर पहले वड़ा पाव खाया और उसके बाद UPI से पेमेंट भी किया। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को वोट डाले जा रहे हैं। उससे पहले प्रचार के शोर के दरमियान पीयूष गोयल अपने करीबियों संग वड़ा पाव का मजा लेने के लिए पहुंचे और लगे हाथ लोगों से ज्यादा तादाद में मतदान करने की अपील भी कर डाली। प्रचार खत्म हो गया है, अब तो मैं अपनी लड़की के साथ और अपने मित्रों के साथ थोड़ा आनंद ले रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बस उसी के लिए आया था। और कितना टेस्टी वड़ा पाव मैंने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा, इतना ही बोल सकता हूँ। सब लोग वोट देने आए, ये अपना अधिकार भी है, अपना कर्तव्य भी है। सबसे अनुरोध है कि वोट दे, किसको वोट दे वो हरेक की अपनी मर्जी है, पर वोट जरूर। चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाले वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इन दोनों नेताओं का नया वीडियो सामने आया है जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुकेश सहनी से बातचीत में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। दोनों नेताओं की ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि दोनों नेताओं के दावे कितने सही साबित होंगे वो 4 जून को ही पता चलेगा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो ई रिक्शा पर ही सवार होकर वोट मांगने लगे। कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में ई रिक्शा से रोड शो किया, लोगों से वोट की अपील की और लगे हाथ जीत का दावा भी कर डाला। हमको पूरी उम्मीद है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है, बदलाव का मन बनाया है, बदलाव होगा और हम बदलाव के विकल्प के रूप में हैं इंडिया अलायंस। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। इससे पहले तमाम उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है पूरे देश का सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टियों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी की कोशिश यही है कि आखिरी चरण आते आते प्रचार में कोई कसर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वोट फॉर गुड में बात एक अलबेले उम्मीदवार की। ये जनाब पेशे से चित्रकार हैं और अब राजनीति के कैनवास पर जीत का रंग भरने की तमन्ना से पश्चिमी दिल्ली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। देखिए चित्रकार प्रत्याशी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मानेगा कि कैनवस पर रंग बिखेरने वाला ये चित्रकार लोकसभा इलेक्शन के कैनवस पर भी अपनी जीत का रंग बिखेरने की इच्छा रखता है। तस्वीरों में जिस शख्स को कैनवस पर रंगों की पेंटिंग करते हुए देख रहे हैं ये चित्रकार उमेश चौहान है जो दिल्ली से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमेश पश्चिमी दिल्ली से निर्दलीय चुनाव में खड़े हैं और जीत का दम भर रहे हैं। बचपन से अंदर से शौक था एक लीडरशिप का भी, क्योंकि गुरुजी थे हमारे, उनके पास में कोई राजनीतिक लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। ठीक है, तो लीडरशिप कहीं ना कहीं रही है। उमेश चौहान मूलतः उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के रहने वाले हैं और दिल्ली में परिवार के साथ रहते हैं। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का शौक रहा है। हालांकि उमेश चौहान का समाज में फैली बुराइयों को देखकर मन बदला तो वो राजनीति में भी किस्मत आजमाने पर उतर आए। अब कई मुद्दों को लेकर राजनीति के कैनवस को जीत के रंग से भरना चाहते हैं। राजनीति ऐसे है जो समाज में जो एक गंदगी फैली हुई है, मैं उसी समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं जैसे कैनवस में सुंदरता कलर भरता हूँ वैसे मैं देखा ही समाज का हिस्सा मैं हूँ, तो इस समाज को मैं क्या देखे जाऊँ। पॉलिटिक्स में आके कुछ एक नया कुछ उदाहरण पेश करूँ जिससे समाज का भला हो सके।
उमेश चौहान ने पहले ही विकासपुरी विधानसभा से विधायक के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और लोगों से अपने मुद्दों को लेकर वोट भी मांग रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को मतदान है, अब जनता इन चित्रकार साहब को अपना नेता चुनती है या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ओपी शुक्ला के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में चुनाव की खास तैयारियां चल रही हैं। यहां बॉर्डर इलाकों में मतदान के लिए मतदान सामग्री पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गवारों की मदद के लिए भी उनसे घर घर जाकर होम वोटिंग के जरिए वोट लिया जा रहा है। चुनाव अधिकारी संवेदनशील इलाकों में मतदान को लेकर पूरी सुरक्षा बरतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं जो बुजुर्ग मतदान केंद्र नहीं जा सकते वो होम वोटिंग के जरिए वोट देकर बेहद खुश हैं। देखिए, जितने भी हमारे 3 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनका जो रैंडमाइजेशन है, स्टाफ का वो भी हो गया, ईवीएम का भी हो गया और आज हमने गुरेज के लिए जो पोल पार्टीज थी उनको डिक्लेयर कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन से उसके लिए T-5 पर रैंडमाइजेशन के लिए परमिशन मांगा था तो वो हमें मिली, तो हमने कल ऑब्जर्वर साहब की प्रेजेंस में कर दी और आज वो पोल पार्टीज हमने डिक्लेयर कर दी वहाँ पे। बाकी पोल पार्टीज 1 day before T-1 होती हैं डिक्लेयर, तो 19 को हम डिक्लेयर करेंगे कंसर्न पोलिंग स्टेशन। इस इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक अच्छी स्टेप उठाई है कि होम वोटिंग उन लोगों के लिए जो कि बेड रिडन है, घर से मूव नहीं कर सकते हैं, और उन ओल्ड एज के लिए जो 85 से अब है जरा उनकी चलने में तकलीफ हो रही है, ये बहुत अच्छी स्टेप है और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। ये जारी रहना चाहिए ताकि किसी का वोट जाया ना हो जाए, इसलिए हम इस स्टेप की बहुत सराहना करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये उन्होंने इस साल ये स्टेप ले ली है। दिल्ली सटे गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की खबर है। यहाँ नो रोड नो वोट का नारा लगा रहे हैं लोग। यहाँ के सेक्टर 66 की अफोर्डेबल सोसाइटी में रहने वाले करीब 3,000 परिवारों का कहना है कि अगर रोड की सुविधा नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे। तपती दोपहर में प्रदर्शन कर रहे लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और कह रहे हैं नो रोड नो वोट। और इसी के साथ वोट फॉर गुड में इतना ही, आप देख रहे गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।